through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulip with me. Tiptoe to the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. दोस्तों, अभी जो आपने गाना सुना, क्या आपको पता है कि ये गाना श्रापित है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये गाना कर्ज्ड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी गाने के बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते सब इस गाने को मोस्ट कर्ज्ड सॉन्ग एवर कहने लगे। और क्या आपको पता है कि इस सॉन्ग से एक रिचुअल गेम भी परफॉर्म किया जाता है? तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये गाना 1929 में आई मूवी गोल्ड डिगर्स ऑफ ब्रॉडवे में से है, और इस गाने को लिखा था A.L. दुबिन ने, जो कि उस समय के जाने माने लिरिकल थे। और इस गाने को फेमस करने के पीछे निक ल्यूकस का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि उस समय के बहुत पॉपुलर गिटारिस्ट थे। पर जब निक ल्यूकस ने इस गाने के लिरिक्स पढ़े, तब वो भी काइंड ऑफ थोड़े हैरान थे, क्योंकि ये गाना बेसिकली एक मैन पर बेस्ड था जो कि अपनी लवर को प्रपोज करता है कि वो उसके साथ ट्यूलिप गार्डन में वॉक पर चले। पर कहीं भी इस गाने में उस लड़की का नाम या शी हर इस चीज़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया था, जिसके चलते निक ल्यूकस थोड़े हैरान थे। तो ये तो होती लिरिक्स की बात, जो कि इस गाने को क्रीपी बनाते हैं। और इस लिरिक्स के चलते लोगों ने ये थ्योरी बना ली कि वो जिसको बुलाते हैं वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई स्पिरिट है। तो ये थी इसके पीछे की थ्योरी कि क्यों लोग इस गाने को क्रीपी मानते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग इस गाने को कर्ज्ड क्यों मानते हैं। असल में ये बात है 5 फरवरी 1968 की, जब टाइनी टिम उस समय के पॉपुलर सिंगर ने इस गाने को गाया, और जैसे इस गाने को गाकर ख़त्म किया, उन्हें तुरंत स्टेज पर ही हार्ट अटैक आ गया और उनकी इमिडिएटली मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद इस गाने को एक बहुत बड़ा नोवेल्टी हिट मिला, और तभी से ही इस गाने को कर्ज्ड माना जाता है। क्योंकि ऐसा सिर्फ टाइनी टिम के साथ ही नहीं हुआ था, ऐसे ही कम से कम 50 अप्रोक्स केसेस रजिस्टर किए गए थे, जिसमें लोग ये गाना गाते गाते सडनली हार्ट अटैक से मर रहे थे, पर फिर एक दिन किसी मिस्टीरियस तरीके से ये हादसे अपने आप ही खत्म हो गए। और इसी के साथ ही लोगों ने एक थ्योरी और बनाई कि इस गाने के साथ एक डीमन अटैच्ड है, जो भी इस गाने को सुनेगा वो मर जाएगा। पर इस बात में कितनी सच्चाई है इसे कोई नहीं जानता, पर कुछ लोगों का आज भी ऐसा मानना है कि जब भी वो इस गाने को सुनते हैं उन्हें अजीब सा फील होने लगता है। इस गाने के अंदर से काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब्स ही आती हैं, और यहाँ तक कि उन्हें एंग्जाइटीज़ भी होने लगती हैं। पर अगर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये गाना बहुत पसंद आया था, आई लव दिस सॉन्ग, पर मुझे इसके अंदर से कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ उस रिचुअल के बारे में जो कि इस गाने के साथ परफॉर्म किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये रिचुअल करने से जो इस गाने के अंदर का डीमन है वो आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए, आइए जानते हैं इस गाने के रिचुअल के बारे में। इस रिचुअल को करने के लिए बेसिकली आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, एक डार्क रूम, एक ऐसा रूम जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो। और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी आपको एक चेयर की, जो कि रूम के बिल्कुल सेंटर में रखी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मैच बॉक्स की, जो कि आपके हाथ में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उस डार्क रूम में जाना है और अपने मोबाइल में उस सॉन्ग को प्ले करना है। जैसे ही वो गाना स्टार्ट होता है, आपको उस गाने को सुनते सुनते चेयर के आसपास घूमना है हाथ में मैच बॉक्स लेकर। और जैसे ही गाना ख़त्म होगा, आपको तुरंत उस चेयर पर बैठना है और उस मैच बॉक्स में से एक स्टिक निकाल कर जलानी है। अगर आपने गाना ख़त्म होने के 3 सेकंड तक मैच स्टिक नहीं जलाई, तब समझ लो कि आपके घर में एक डीमन एंट्री ले चुका है, और जिसे आप चाहकर भी अपने घर से अब बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर आपने चेयर पर बैठकर मैच स्टिक जला दी 3 सेकंड के अंदर, तो समझो आप ये गेम जीत गए और आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो बस इसी तरह किया जाता है इस सॉन्ग से ये रिचुअल। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, और आप क्या सोचते हो कि ये गाना सच में कर्ज्ड है या नहीं? लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।